तो गाइस आप लोगों को नागालैंड का इस वीडियो में हमको एक ऐसे ऐसे लोग मिल गए जो कि असम रेजिमेंट के लिए पहले सर्विस दे चुके हैं। तो एक्स हमारे भाई अपना जो भी है और असम रेजिमेंट के लिए अपनी पूरा ज़िंदगी निशावर कर चुके हैं। तो अभी उनसे भी मिलाएंगे आप इस वीडियो में, तो उनको क्या क्या मेडल मिल रखा है वो भी आप बताएंगे अपनी इस वीडियो में। तो आइए उनसे रूबरू करा देते हैं। तो गाइस ये हमारे साथ में है एक्स, आपका नाम बता दें। एक्स आर्मी एक्स आर्मी इमना इमना इमनाव। इमनाव, ओके गाइस, असम रेजिमेंट मैं में। असम रेजिमेंट का ओके, कितने टाइम में आपको सर्विस मतलब ज्वाइन किए थे? मैं 1968 को 1968 को हाँ 1968 को ज्वाइन किए थे। और हाँ रिटायरमेंट कब हुए? रिटायरमेंट 1984 1984 हाँ ओके। तो आप उन टाइमों में कितना कुछ आपने अचीवमेंट किया है, क्या क्या आपने अचीवमेंट किया, आप उसके बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत? अच्छा, 1971 ओके बांग्लादेश ओके वर ओके पाकिस्तान का साथ ओके। वो मैं पंजाब सेक्टर में था, पंजाब पंजाब फजल का सेक्टर। ओके 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 उसका बाद लड़ाई 1970 दिसंबर में हुआ था। ओके तो POW POW हाँ, मैं POW हो गया है। ओके ओके पाकिस्तान में 1 साल बैठ के आया ओके है। ओके पाकिस्तान में 1 साल हाँ, पाकिस्तान में 1 साल बैठा है, POW प्रिजनर ऑफ वॉर। ओके प्रिजनर वॉर में वहां पर आप पकड़े गए थे? हाँ, मैं वहां में थे पाकिस्तान में। ओके ओके पाकिस्तान में 1 साल जेल में था। ओके जेल उसके में बाद आ गए ओके पे नौकरी किया है। ओके और 1984 में ओके पेंशन हुआ है। ओके गाइस देखिए, हाँ असम रेजिमेंट के एक अपने नियर बाय है, ये जगह का नाम है हाँ अपना सारिंग 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 हाँ बस्ती हाँ पड़ा। एजन मानु गई पे ना मैं हाँ অসমীয়াটো ভিডিওটো কৈ দিব হ্যাঁ মানে এজন আসাম রেজিমেন্টত চাকৰি কৰা এজন এক্স আৰ্মি লগ পাইছো। এই মানুহজনে অসম ৰেজিমেণ্ট ভৰ্তি হৈছিল আৰু ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত বাংলাদেশ যিখন ৱাৰ হৈছিল সেই ৱাৰখনত আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল আৰু তাত পাৰ্টিচিপেট হোৱাৰ পিছত 1 বছৰ পাকিস্তানৰ জেলত গৈ পিনে বন্দী হৈ আকৌ ঘূৰি আহিছিল। তো এই এই মানুহজনে কিমান কি বুলি কয় নিজৰ গোটেই জীৱনটো তাত দেশৰ কাৰণে নিচাবৰ কৰি আহিলে। তো এনেকুৱা নিচাবৰ কৰি অহা এজনা মোৰ ফালৰ পৰা চেলুট। আৰু আপোনালোকৰ যিবোৰ এতিয়া আপোনাৰ ড্ৰিম আছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইখিনি সুখ পলক মানে আপোনাৰ লগত আপোনাৰ ফেমিলিৰ লগত আপোনালোকে ভাল ভালে ভালে থাকক। আৰু আপোনাৰ এই এচিভমেণ্টখিনি দেখাব নি, মই বহুত হাইট দেখিছোঁ এই মেডেলখিনি এই ফটোত আছে। তো মেডেলটো কি কি আছে আপোনাৰ? ওম মেডেলটো হে তো পাকিস্তান মে एक बार दिखा देंगे, एक बार हाथ में लेके दिखा देंगे। तो गाइस ये देखिए, आपके सामने से मेडल अपने दीवार से उतार के आपको दिखाएंगे। तो गाइस देख लीजिए ये हाँ ये है मेडल। हाँ ये किस चीज के लिए मिला था आपको? ये सेना मेडल है। ये सेना मेडल ये ओके एक एक मिनट एक मिनट ये देखिए सेना मेडल। हाँ ये सेना मेडल है। हाँ ये पश्चिम स्टार ओके और ये भी सेना मेडल। हाँ सेना मेडल है ओके। ये भी सेना मेडल है ओके। ये 9 ईयर सर्विस ये नो नो ये 9 ईयर सर्विस ओके ओके ओके। गाइस देखिए, ये पर्सन है जो कि काफ़ी मेहनत के बाद, मेहनत तो क्या है पूरा ज़िंदगी भी निशावर कर दिया इन मेडलों के लिए। हाँ, तो अपने देश के लिए। हाँ, तो इन जवानों को इन इन जो लोग हैं इनसे हमको दिल से आपको शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम घरों में चैन से सो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे आस पड़ोस काफ़ी कुछ एक्टिविटी गलत होते रहते हैं, तो ये लोग जागते हैं तभी हम चैन की नींद सोते हैं। तो ये देखिए मेडल आपके हाथ में है। तो गाइस ये देखिए, फ़ोटो भी हमको दिखा देते हैं और काफ़ी ये हैंडसम भी नज़र आ रहा है ये मैडम के साथ शायद। तो इनकी काफ़ी मेमोरी उन्होंने अपने दीवारों में कलेक्ट करके रखे हैं। तो आज नागालैंड आए थे तो हम इन जैसे लोगों को कभी थोड़े थोड़े लोग ही जानते हैं, क्योंकि ये लोग छुपके से जाते हैं पूरा देश के लिए ज़िंदगी निशावर करके आ जाते हैं। क्योंकि हमारे जैसे लोग पता ही नहीं लगता कि ये लोग
पूरा जिंदगी छोड़ के आए अपने देश के नाम पे। तो जैसे हमको आज पता लगा तो हम इनको आपके सामने रूबरू करा रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। तो आज एक्स आर्मी की वजह से हमारे देश के जितना भी लोग रिटायरमेंट होके घर में बैठे हैं उनको हम ज़रूर अपने दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि आप उस टाइम हमारे देश के लिए काम किए। तो आज इन जैसे लोगों को हमारे आने वाले युवा को देखना चाहिए क्योंकि आने वाले युवा इनकी स्टोरी पता लगेगा तभी एक इंडिया के बारे में एक एक आर्मी के बारे में एक पर्सन के बारे में पता लगेगा। यही हमारा मोटो है क्योंकि जो लोग गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि ये देश के लिए पूरा अपना जवानी छोड़ के आ गए। तो आज हमको इस पर्सन को देख के मिल के बहुत अच्छा लगा, हमको गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से हम आज घर में सुरक्षित है। तो दिल से शुक्रिया आपको, तो आपका फिर से एक बार सैल्यूट करते हैं। तो आप इन मेडल को एक बार ज़रूर दिखा दीजिए क्योंकि ये मेडल है इनकी ज़िंदगी भर की कमाई। ठीक है गाइस, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, हम ईश्वर का ये मरम से आज तक चिंता है। बिल्कुल, तो पेंशन आगे भी कम से कम 30-40 साल हो रहा है। ओके, तो हमने जो नौकरी किया है हाँ जी, उसका नौकरी का फल अभी मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट को सलूट करता है। ओके, थैंक यू गाइस। देखिए जज्बा देखिए, आज की उम्र में जो भी है जो उम्र है उस उम्र में भी इतना जोश दिखाई दे रहा है, इनकी गवर्नमेंट के लिए सैल्यूट निकल रहा है। ठीक है गाइस, तो हमको भी इन जैसे लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम मूवी जो करते हैं उनको तो पहचान जाते हैं लेकिन देश के लिए जो काम करते हैं उनको हम भूल जाते हैं। हम आज तक नहीं मिल पाए कि इन जैसे लोग काफ़ी लोग हमारे घरों में बैठे हुए हैं, तो उनको प्लीज़ कहीं भी मिले इन जैसे लोगों को प्लीज़ एक बार दिल से शुक्रिया ज़रूर कीजिएगा, एक बार सैल्यूट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उनको अच्छा लगेगा क्योंकि ये ज़िंदगी भर अपने छोड़ के आगे जवानी छोड़ के आगे देश के नाम के लिए। आज आपको एक असम राइफल का एक असम रेजिमेंट का एक सैनिक का स्टोरी पता लगा। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये सारिंग बस्ती में हम जब आए थे तो हम सोचे थे ऐसे ही कुछ नेचर को कवर करेंगे, जो एक स्टोरी हमको मिल गई कि एक एक्स असम राइफल के जवान असम रेजिमेंट का एक यो सिपाही अपना हाथ में मेडल लेके आए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिएगा, एक बार ज़रूर दिल से सैल्यूट कीजिएगा क्योंकि ये लोग अपना काम करके चुपचाप घर में आके बैठे हुए हैं, हम इनको नहीं पहचानते लेकिन इनकी वजह से ही हम घर में चैन की नींद सो रहे हैं, चैन की नींद। और कहीं भी जो आज़ादी एक अलग बात है लेकिन जो ये घर जो अपना घरों का जो भी हम बॉर्डरों का जो जंग है उसके काम में जो पार्टिसिपेट करके आए उसके लिए हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू।